ए और बी आपको कॉन्स्टेंट दिए, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, चेन रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको वाई वन भी बोलते हैं। तो पहले कॉस का करेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, आगे का एज इट इज आ जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो वाई वन हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, देखो अब इसके अंदर जाएगा डी बाई बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स, ए मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ गया, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, बी मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ गया, साइन का होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो वाई वन इज इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, पहले पॉजिटिव लिख लो, चलो बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। अभी जो आगे वाला माइनस साइन है ना, चाहे तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हो आप, एनसीआरटी में इस माइनस साइन को एडजस्ट किया हुआ है, तो माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर ले लो आप, ठीक है। तो वाई वन इज इक्वल टू साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए साइन एक्स पहले आ जाएगा, प्लस ए साइन एक्स बन जाएगा, और माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा, से 3π/4 के बीच में वैल्यू एक्स की। क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे करना है, लॉग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर नहीं है आपका, ठीक है। तो dy बाय डी एक्स सॉरी log y, log y इज इक्वल टू, यहां भी टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, log y इज इक्वल टू, ये हम log की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, log a की पावर b इज इक्वल टू बी लॉग ए, तो ये आपका आगे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये आगे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप देखोगे यू इंटू वी की फॉर्म में है, यू इंटू वी, तो यू इंटू वी में पता ही कैसे करते हैं, तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो समझ में आ रहा होगा आपके, यू को बाहर रखा पहले वी का किया हमने, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाय बाय डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर लॉग को रखा बाहर, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डी बाय बाय डी एक्स हमने किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, उम्मीद है समझ गए होंगे। वन अपॉन वाई डी बाय बाय डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग का करेंगे पहले, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसके बाद अब इसका करेंगे चेन रूल से, तो साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो वो जो माइनस आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, आ रही क्यों, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या होगा प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये माइनस आएगा, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अभी देखो यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल होगा, तो ये आ गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिख लो चलो उसको, कोई बात नहीं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अच्छा, और फिर पहले लिखो उसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, वाई ऊपर ट्रांसफर होगा, तो वाई की वैल्यू लिख दो, ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वाई की वैल्यू है, अपॉन सॉरी अपॉन कह रहा हूं रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा आएगा, चलो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ही बात है, कॉस एक्स प्लस साइन लिखो या साइन एक्स प्लस कॉस लिखो, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव,
प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट। तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो फंक्शन है रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस ब्रैकेट में से आप देखोगे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें कॉमन आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो एक ही बात है, इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कॉमन लिया तो यहां बचेगा वन प्लस ये कॉमन गया भाग यहां बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर है। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पे क्या है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ध्यान रखना ए की पावर ए कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, ये नंबर नंबर के ऊपर नंबर है, टू का स्क्वायर फोर, फोर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स लगा लेना आगे मतलब, तो ये हो जाएगा जीरो, समझ रहे होंगे आप। और एक्स के ऊपर नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर नीचे आ जाता है ए एक्स एन माइनस वन। अब बचा एक्स के ऊपर एक्स, इसका कैसे करेंगे, ये लॉग आकर के होगा ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स डिफरेंशियली बोथ साइड हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स डी वाई बाय डी एक्स एक्स की पावर ए डी वाई बाय डी एक्स ए की पावर एक्स डी वाई बाय डी एक्स ए की पावर ए ठीक है। तो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इसको तो भी एज इट इज लिखो एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर ए का जाएगा ए नीचे एक्स के ऊपर ए माइनस वन, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, इन सबका बेस ई होता है, अभी करेंगे कभी लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे तो बेस ई है ठीक है। और ये कांस्टेंट है इसका जीरो। अब इसको मान लो यू इक्वेशन फर्स्ट लेट यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स, सो लॉग यू जाएगा ये एक्स नीचे जाएगा एक्स लॉग एक्स, ये एल्जेब्रिक है लॉगरिथमिक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। अब इसका करेंगे एक्स यू इन टू वी के फॉर्म में, एक्स को बाहर रखा लॉग एक्स को होता है वन अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स को बाहर रखा एक्स का करेंगे वन, ये एक्स से एक्स कट गया वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, यू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा यू यहां पे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई वन प्लस लॉग एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा आपका यू की वैल्यू पुट कर दो एक्स रेज टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ये एक्स की पावर एक्स है प्लस ए एक्स ए माइनस वन प्लस ए की पावर एक्स लॉग ए, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। तो इसको मानोगे यू और इसको मानोगे वी, तो वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब यू को करोगे अलग से तो U हुआ आपका x के ऊपर x स्क्वायर माइनस थ्री टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, तो log U इज इक्वल टू log पावर नीचे जाएगी log की प्रॉपर्टी से, सो log U इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस थ्री log x, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ये लॉगरिथमिक है U इंटू वी की फॉर्म में आ गया ठीक है। तो वन अपॉन U डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, पहले इसको बाहर रखा ये दिस इज यू दिस इज वी, एल्जेब्रिक को बाहर रखा लॉग एक्स का किया वन बाय एक्स, फिर लॉग एक्स को बाहर रखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा
टू एक्स, ठीक है, माइनस थ्री का जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन होगा टू एक्स, तो डीयू बाय डीएक्स हो जाएगा, यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू की वैल्यू है आपकी एक्स, तो यू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो यू आ गया और ये सारा फंक्शन आएगा ब्रैकेट में, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये एक्स नीचे ले लो, प्लस टू एक्स लॉग एक्स, वी लिया आपने एक्स माइनस थ्री के ऊपर एक्स स्क्वायर। रुद्राज क्लियर हुआ आपका? ओके डन। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री के ऊपर एक्स स्क्वायर, तो लॉग भी हो जाएगा, ये पावर नीचे जाएगी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस थ्री, ठीक है, यू इंटू वी की फॉर्म में, यू को बाहर रखेंगे डी बाय डी एक्स, वी को बाहर रखेंगे डी यू बाय डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन वी डीवी बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, लॉग एक्स माइनस थ्री का किया, लॉग का करेंगे तो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, तो लिख नहीं रहे इसको वन को, तो लॉग अब वी को बाहर रखा एक्स स्क्वायर का किया टू एक्स, तो डीवी बाय डी एक्स हो जाएगा, वी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी आपका है एक्स माइनस थ्री के ऊपर एक्स स्क्वायर, अरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री, टू एक्स को पहले लिख लो लॉग एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये आ गया आपका डीवी बाय डी एक्स, तो इसको लिख लो इक्वेशन सेकेंड, इसको लिख लो इक्वेशन थर्ड, अब इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका डीवी बाय डी एक्स आ जाएगा, वो आप कर लोगे, आए ना, है ना, इन दोनों को ऐड करके आपको लिखना है फाइनली, चलो लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा आपका डी यू बाय डी एक्स, वो आपका ये रहा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स, टू एक्स लॉग एक्स, ये आ गया डी यू बाय डी एक्स, अब लिखो डी यू बाय डी एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री के ऊपर एक्स स्क्वायर और ये पूरी टर्म, ये आपका फाइनल आंसर है, दोनों को आपको ऐड करके बाद में लिख देना है, ठीक है, ये y है आपका और ये आपका x है, तो कैसे निकालेंगे dy बाय dx, dy बाय dt निकालेंगे, dx बाय dt निकालेंगे और फिर dy बाय dx को dx बाय dt से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाय dx हो जाएगा, किए हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले, हाँ है ना, हाँ चलो ठीक है, तो आपने लिखा y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t, तो dy बाय dt किया आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 12 मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ गया, वन का जीरो हो गया, माइनस आ गया, कॉस का होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी आ गया तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस साइन टी आ गया आपको यहां पे, उम्मीद है समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत, ठीक है, डी एक्स बाय डी टी किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रेस्पेक्ट टू एक्स, 10 मल्टीप्लीकेशन में टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, ये वन आएगा, तो ये टी की फॉर्म में है तो वन आ जाएगा, ठीक है, वन माइनस साइन का होता है कॉस टी, चलो ये आ गई सेकेंड, अब पूछा इसका डीवाई बाय डी एक्स, तो इसको उससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करोगे आप, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो डीवाई बाय डी एक्स हो जाएगा आपका डीवाई बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी, dy बाय dt है 12 sin t और dx बाय dt आपका 10 1 माइनस cos t, 2 6 2 5, अब इसको अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने, इसमें तो 6 अपॉन 5
साइन टी होता है टू हाफ एंगल फॉर्मूला, टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। तो वन माइनस कॉस टू हो जाएगा टू साइन स्क्वायर टी बाय टू, ये फॉर्मूले याद रखना, ये बहुत यूज होंगे डिफरेंशिएशन में। टू से टू कैंसिल, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव। अब देखो नीचे दो साइन टी, दो साइन है और ऊपर एक साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर cos t बाय टू बचेगा, cos t बाय टू, और नीचे क्या बचेगा, दो साइन थे एक साइन कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा साइन t बाय टू। अरे बात समझ में आ रही है, cos अपॉन साइन दोनों के आगे एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा आपका cot, तो dy बाय डी एक्स हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव cot t बाय टू, ये आपका आंसर है। चलो ठीक है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पुट कर दो x की जगह पुट किया आपने साइन थीटा, प्लस साइन इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो गया, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर, कॉस बाहर आ जाएगा, तो थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा, अब यहां कॉस आ गया, इसको साइन में चेंज कर सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा, 90 को हम पाई बाय टू लिखते हैं, टेंथ का फॉर्मूला है साइन 90 माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू कॉस थीटा, यू चल रहा है उल्टा, तो कॉस को चेंज कर लेंगे हम, साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, ये तो वाई तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो डी वाई बाय डी एक्स करेंगे इसका क्या आएगा, जीरो आंसर है। वाई वाली टर्म को लेफ्ट पे लिख लेते हैं, एक्स वाली को राइट पे ले जाते हैं, तो y 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस वाई, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब भी किसी इक्वेशन को हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक रूट होगा स्क्वायर कर देंगे तो y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, x पे स्क्वायर आ जाएगा, तो दो रूट्स हो जाएंगे, क्यूब कर देंगे और रूट्स निकल जाएंगे, हमने पढ़ा था पॉलीनोमियल फंक्शन के अंदर डिग्री तीन होती है तो तीन मैक्सिमम रूट्स निकल सकते हैं, चार होती है तो चार मैक्सिमम रूट्स निकल सकते हैं, तो जैसे जैसे हम इसको स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, फोर्थ पावर पे ले जाते हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स बढ़ जाते हैं, तो हमें वो जो रूट्स निकलते हैं वो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे वाला रूट हमें उसमें से चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर किया बहुत दोनों तरफ, हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर किया तो पहले रूट निकालने थे हमें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, चलो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू राइट पे जीरो कर लिया, यहां हम करेंगे फैक्ट पेयर्स माय हमने, तो ये जाएगा वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, और यहां से कॉमन आया एक्स वाई, ब्रैकेट में आया वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में कॉमन है वाई माइनस एक्स, तो यहां बचा y प्लस एक्स और यहां बचा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो या तो y माइनस एक्स जीरो है या y प्लस एक्स प्लस एक्स वाई जीरो है,
तो यहां से जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई, एक सॉल्यूशन तो ये आया, और यहां पे आ रहा है एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई को राइट पे ले लो माइनस वाई, एक्स कॉमन लिया वन प्लस वाई, वाई निकालना है अपने को, तो ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो वाई प्लस एक्स वाई इजिकल टू एक्स को लिया माइनस एक्स, तो वाई कॉमन लिया वन प्लस एक्स इजिकल टू माइनस एक्स, तो वाई हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये दो सॉल्यूशन आए हमारे पास, यहां तक ये प्रॉब्लम किस स्टेप में? पहले इक्वेशन बनाई, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन के सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x, इसको छोड़ दो, इसी को लिखो y इज इक्वल टू x, एक सॉल्यूशन y का आया, एक सॉल्यूशन ये आया। अब एक्सेप्ट उसको करेंगे जो इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y की जगह x पुट करता हूं तो 1 प्लस एक्स, वाई की जगह x पुट किया तो दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव ही रहनी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से जीरो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन मैं y की जगह अगर इसको पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे, ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सॉल्यूशन आया कहां से फिर? क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया, इसलिए एक रूट हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इक्वेशन को। बात भाई, ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सर, एक बार बता दो ना वो वाला स्टेप कौन सा याला? हाँ समझा देता हूं ना, एक्स लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ही? एक्स वन प्लस वाई, वाई वन प्लस एक्स, तो वाई की जगह एक्स पुट कर दो, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं क्या? ये तो ऐड हो रहे हैं दोनों भाई, इसको पूरे को मान लो जेड, तो ये भी जेड है, जेड प्लस जेड टू जेड हो रहा है, जीरो तो आई नहीं रही, कट ही नहीं रहे, हाँ है ना? तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसको पुट करोगे तो शायद कुछ हो जाए। तो अब इसको ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आगे लेफ्ट हैंड साइड वापस लिखी अपन ने, एक्स वन प्लस वाई, मैं करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में नहीं करना आपको। अब y की जगह लिखो आप माइनस एक्स वन प्लस एक्स, y की जगह लिखा अपन ने माइनस एक्स वन प्लस एक्स, और ये आ गया वन प्लस एक्स। यहां पे आप एलसीएम लोगे तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आया, वन प्लस एक्स और ये वन प्लस एक्स, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ये हुआ एक्स से माइनस एक्स कटा, तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन बनी रहा, नीचे आ गया वन प्लस एक्स। अब ये वन प्लस एक्स और ये रूट वन प्लस एक्स, तो नीचे क्या आ जाएगा? रूट वन प्लस एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर ही तो है, तो एक रूट वन प्लस एक्स कट जाएगा, है ना? तो ये ऐसे हो जाएगा, दोनों कट के क्या हो गए? जीरो हो गए, आरएचएस आ गया। अरे भाई इसको ऐसे लिखो, ये एक्स बचा, ऊपर बचा वन, स्क्वायर रूट ऑफ वन वन होता है तो ऊपर तो खत्म हो गया, नीचे स्क्वायर रूट रह गया तो आ गया वन प्लस एक्स माइनस एक्स, ये आ गया वन प्लस एक्स। इसको मैंने वन प्लस एक्स को लिखा, मैं ए को लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट ए, तो वन प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूं रूट वन प्लस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स, और ये आ गया माइनस एक्स अपॉन एक बचा रूट वन प्लस एक्स, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, जीरो आ गया, राइट हैंड साइड जीरो है, सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब? हाँ सर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स फुटप्रिंट पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इक्वेशन को, तो ये रूट हमारा रिजेक्ट हो गया। ये एक्स्ट्रा रूट क्यों आया? क्योंकि हमने इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया था, तो उससे ये एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो गया।
इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ। हमने निकाल लिया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब हमें डीवाई बाई डीएक्स प्रूव करना है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले रूट निकालोगे आप, अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे तो माइनस को तो लिख लो बाहर, तो यू अपॉन वी की फॉर्म में है तो नीचे वी का स्क्वायर, फिर वन प्लस एक्स यहां पर आया, माइनस को भूल जाओ, एक्स का डिफरेंशिएशन वन फिर माइनस, फिर एक्स को बाहर रखा, वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, वन का जीरो, एक्स का वन। क्या है स्टेप सुन में, करते वाई में कई बार कर चुके हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस लिखा यहां पे, ऊपर आया वन प्लस एक्स माइनस एक्स, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया, ये बाहर का माइनस और अंदर वन, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, हेंस रूट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, आंसर जो दिया उसी को पकड़ लो, मतलब नंबर की बात कर रहा हूं मैं। प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, नीचे एक्स दिया है, एक तो एक्स से पीछा नहीं छूटता है। चलो कोई बात नहीं, पहले पावर का किया, ऊपर वन आ जाएगा, वन लिखते नहीं है, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, पावर करने के बाद फंक्शन का करेंगे, फिर यहां पे वापस पावर का किया, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी, राइट साइड पे कांस्टेंट है सी स्क्वायर, रेडियस होता है बेसिकली ये, ठीक है। ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ए और बी, और सी आपका रेडियस है, इलेवन की इक्वेशन है ये आपकी सर्किल की, तो ये रेडियस का स्क्वायर है, कांस्टेंट है जो भी है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है, चलो ठीक है। टू एक्स माइनस ए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस ए का जीरो, टू वाई माइनस बी, वाई का होगा डीवाई बाई डी एक्स, माइनस बी का जीरो। क्या किया मैंने, हाँ सही किया ना मैंने, यहां पर कोई प्रॉब्लम, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो टू से, टू हटाओ तो x माइनस ए इंटू वन, एक्स माइनस से बचा टू हट गया, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से जाएगा y माइनस बी, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां माइनस रखा, एक्स माइनस ए को राइट पे ले गए तो एक्स माइनस ए, अब वाई माइनस बी इसके नीचे चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया, तो यहां चल रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, इस इक्वेशन में डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है निकाल लिया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव भी आ रहा है वो निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, वापिस यू अपॉन बी के फॉर्म में आ गया, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को तो बाहर रहने दो, इस भूल गया माइनस को, नीचे आ गया वी का स्क्वायर, यू अपॉन बी के फॉर्म में, तो वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी रखा यहां पे, एक्स माइनस ए का करेंगे वन आएगा, एक्स का वन माइनस ए का जीरो, माइनस एक्स माइनस ए को बाहर रखा, वाई माइनस बी का करेंगे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक ही होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पुट करो ये पड़ी वैल्यू, वापस माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये स्टेप समझ में आया क्या। अभी माइनस और माइनस प्लस हो गए,
हटा दो उसको, अब यहां प्लस कर लो, अब न्यू, अब इसका एलसीएम लोगे तो ये y माइनस बी मल्टीप्लाई होगा y माइनस बी से, और फिर एलसीएम लेने के बाद ये y माइनस बी नीचे जाएगा तो y माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यस सर। तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर, और x माइनस से x माइनस से ये हो गया x माइनस a का स्क्वायर, नीचे बचा y माइनस बी, वो y माइनस बी नीचे जाएगा तो नीचे हो जाएगा y माइनस बी का क्यूब, और यहां का माइनस तो वहां पे लगा ही था आगे बाहर। ये इसका समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकला, अब इसकी वैल्यू देखो एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये आपको सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ये स्टेप है समझ में? नहीं गड़बड़ है, बाहर का माइनस भी था तो माइनस भी आएगा क्योंकि बाहर एक माइनस लगाया हुआ है, ये माइनस चल रहा बाहर। चलो ठीक है, तो हमारा अब इस इसके अंदर पुट की वैल्यू तो वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स आपका माइनस आ रहा है वहां पे, नहीं तो वन प्लस ही आएगा, डीवाई बाई डी एक्स है एक्स माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा करके इसका स्क्वायर किया हुआ है, और अभी भी इनका मन नहीं भरा ऊपर थ्री बाय टू भी किया हुआ है, और ये डिवाइड डिवाइड बाय डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब कैलकुलेशन है सिर्फ वन प्लस का प्लस ही रहेगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, ये आ गया थ्री बाय टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो वाई माइनस बी का क्यूब ऊपर कर लो और नीचे इस माइनस को आगे रहने दो और नीचे कर लो सी स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? अब यहां पर एलसीएम लोगे तो ये जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर प्लस इधर चला जाएगा प्लस x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर ऊपर 3 बाय टू y माइनस बी का क्यूब c स्क्वायर। अब आप इसे y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर ये c स्क्वायर है, तो ये आ गया c स्क्वायर, ये आ गया y माइनस बी का स्क्वायर ऊपर आ गया 3 बाय टू इन टू माइनस वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्क्वायर ऊपर ले लिए और ऊपर थ्री बाय टू ऑलरेडी है, ये लिखा थ्री बाय टू इन टू माइनस वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, सी पे भी क्यूब आ गया, y माइनस बी पे भी क्यूब आ गया, ये पूरा क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये माइनस बचा, ये सी क्यूब है नीचे सी स्क्वायर है, तो आंसर माइनस सी आया, तो इस पे a और b नहीं आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, ये क्वेश्चन में पूछा था कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपका ए और बी नहीं आना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो ठीक है, तो इसमें एक्स को रखा, इसमें मैं एस से लिख लेता हूं कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई, मतलब वाई वाली टर्म को लिख लिया लेफ्ट पे और ये हो गया आपका एक्स, कहने का मतलब ये है एक्स की वैल्यू हो गई कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx, लेकिन हम करेंगे कैलकुलेट dx अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट पे करेंगे और जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा आंसर चार पांच टाइम में आ जाएगा। ठीक है, x पूरा लेफ्ट पे आ गया, सारा y राइट पे चला गया, अब हम निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो ध्यान रखना
डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, डी वाई बाई डी वाई आएगा, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन हो जाता है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन हो जाता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स वन होता है, तो कॉस वाई करेंगे माइनस साइन वाई, फिर आएगा डी वाई बाई डी वाई, तो माइनस साइन वाई लिखेंगे इसको, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, नीचे v का u अपॉन v की फॉर्म में, v का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई को लिखा लेफ्ट पे, cos y का किया माइनस साइन वाई, अब y का करेंगे तो dy वाई बाई डी वाई वन हो जाएगा, बाय डी एक्स नहीं कर रहे हम लोग, अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, ठीक है ना, अब y का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर y है तो ये वन ही आएगा, इसको किया बाहर, इसका कर दिया माइनस, फिर कॉस वाई को बाहर रखा, अब कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो कॉस का जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई करेंगे ए का जीरो, वाई का वाई के रेस्पेक्ट वन होता है तो इनटू वन, ये स्टेप समझ में आ गया आप लोगों के, तो यहां पे आप तो लिखो ऐसे, लिखो डी एक्स अपॉन डी वाई, कुछ क्वेश्चन में ट्रिक होती है तो अपने को यूज करनी है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी कि यहां माइनस है यहां माइनस है, तो पहले लिखो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, पॉजिटिव पहले लिखते हैं, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, फिर ये नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस साइन वाई है, ये माइनस साइन वाई है, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, और साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये स्टेप समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो तो इस फॉर्म में है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, ए क्या आपका ए प्लस वाई, बी क्या आपका वाई है, तो ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी वाई, साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई माइनस बी आपका है वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई कैंसिल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ऊपर बचा साइन ए,